हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कैरी का अचार बनाना बताऊंगी। मैंने 1 किलो कैरी ली हुई है, अच्छे से धो ली, सुखा ली। मैंने आम को कट कर लिया है। मैं इसमें डालती हूँ 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसको मिक्स कर देते हैं। मैंने नमक और हल्दी लगा के रख दिए हैं। मैंने ये 12 घंटे के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से पानी छोड़ चुके हैं हल्दी और नमक से। मैंने 2 छोटी चम्मच ली हुई है मेथी दाना, 2 छोटी चम्मच राई दाना, 2 छोटी चम्मच सौंफ, 1 चम्मच छोटी कलौंजी। मैंने एक जार लिया हुआ है, इसके अंदर डाल देते हैं सौंफ, राई, मेथी, कलौंजी। इसे ग्राइंड कर लेते हैं। मसाले को ग्राइंड कर लिया है। मैं मसाले को डालती हूँ। 2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया हुआ है, ये डाल देते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये भी डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने 1 बाउल तेल का लिया हुआ है, ये सरसों का तेल है, ये कच्चा है, मैंने गरम नहीं किया था, ये डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तेल आप और भी डाल सकते हो। आधा बाउल सरसों का तेल और डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये अचार बन के तैयार हो चुका है। मैंने एक डब्बा लिया हुआ है, इसके अंदर भर देते हैं। मैंने डब्बे के अंदर अचार को डाल दिया है। आप 5 दिन के बाद इसको यूज कर सकते हो। ये अचार आप घर पर जरूर ट्राई करें। अचार पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।